जो मजबूत ग्रामीण परिप्रेक्ष्य नेता हैं, जो समझदारी रखते हैं, वो चुनाव न लड़ सकें, वो ब्लॉक प्रमुख न हो सकें, वो जिला पंचायत के मेंबर न हो सकें, जिला पंचायत के अध्यक्ष न हो सकें, ग्राम प्रधान न हो सकें। इसलिए सारा परिसीमन और आरक्षण इस दृष्टिकोण से करवाया गया। ये एक गिरोह ने गिरोहबद्ध तरीके से किया है। यहाँ की जो पंचायती संस्थाएँ हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशन और जिलाधिकारी भी है, इन सब का अपहरण कर लिया गया है, इस गिरोह के कब्जे में है। और इससे हरिद्वार के अंदर जो पंचायती लोकतंत्र है और पंचायती संस्थाएं हैं, वो सब खतरे में हैं। 7 की जगह पर जो है अब मैं 18 तारीख को बैठूंगा, मगर हमारा मुकदमा जारी रहेगा। और 16 तारीख को मैंने कहा है कि मैं हरिद्वार में सितकुल में करीब अब जितना चल सकेंगे 3 किलोमीटर मार्च करेंगे बेरोजगारी पर। वो बेरोजगारी के खिलाफ हमारे राज्यव्यापी हल्ला बोल का जो है विकेंद्रीकरण होगा।